तो यार आज हम करने वाले हैं ट्रुथ या फिर डेयर। और यार ये कोई ऐसा वैसा ट्रुथ डेयर चैलेंज नहीं है यार, इसमें हम बहुत सारी पागलपंती करने वाले, जैसे कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कूदना। ये बाबूराव का स्टाइल है। या फिर आर्यन भाई के सर पे अंडे को फोड़ना। अरे अरे भाई भाई भाई, ये क्या था। और यार ये स्टार्ट होने से पहले मैं एक रूल बताना भूल गया कि जो भी डेयर या ट्रुथ चूज करने के बाद उसे नहीं करेगा यार, उसे लास्ट में बहुत बुरी पनिशमेंट मिलने वाली है। ये तो और भी बढ़िया है। चल ठीक है यार, मैं तो डेयर चूज करूंगा। आर्यन भाई तो फंस गए, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। चल तू मुझे फर्स्ट डेयर दे दे मेरा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट डेयर ये है कि आपको बहुत सारी चौप की टट्टियों में सोना पड़ेगा, वो भी एक बाथटब में। अरे क्या बोल रहा है भाई, चौप की टट्टियों में सोना पड़ेगा। अरे भाई साहब, यही बचा था यार, अब मैं मना भी नहीं कर सकता। चल ठीक है, चलते हैं एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अब सब कुछ तैयार है, आप अंदर जाकर देख लो। अरे भाई क्या तैयार है यार, ऐसा क्या हो गया अंदर। ओ भाई साहब, ये तो चौप तो यहाँ कहाँ से आ गया। और भाई ये देखो, वाह अब तैयार तो हो ना। अरे भाई मैं तैयार तो हूँ। मैंने एक बात बताना भूल गई कि आपको कपड़े उतार के लेटना पड़ेगा। क्या कपड़े उतार के। ओ भाई साहब यार, शिनचैन भाई ये तो गलत है ना। सब कुछ सही होता है। अच्छा चल ठीक है, करते हैं। हाँ तो अब ठीक है ना भाई। अरे बाप रे बाप, आप तो सच में लेट गए। लेकिन आपको थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। क्या थोड़ा और अंदर, भाई क्या बोल रहे है। हाँ आपको जाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे भाई यार, इतनी बदबू आ रही है भाई, ये तो ठीक है ना। थोड़ा और अंदर, आपका पूरा मुंह अंदर होना चाहिए। भाई और अंदर। और भाई यहाँ बहुत उल्टी आ रही है मुझे यार, मैं नहीं सह सकता। लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है अपने कदम पीछे हटा लें। अरे यार चल ठीक है भाई, अभी तो ठीक है ना। अब तो ठीक है। अरे यार आर्यन भाई, आपसे तो बहुत बदबू आ रही है यार, मैं तो दूर जा रहा हूँ। ओए भाई मुझे उठा तो दे। अरे भाई शिनचैन, वहाँ से निकाल तो दे मुझे कम से कम। मैंने तो अपना काम कर लिया। अरे भाई साहब, ये शिनचैन तो मुझे निकाले भी नहीं चला गया यार। ओए भाई चौप तू ही निकाल दे। हाँ एक मिनट। अरे भाई साहब मेरा मुंह ही दब गया। अरे भाई चौप ये क्या था। अरे भाई साहब, इतनी गंदी बदबू भाई, मैं नहीं सह सकता। अरे भाई लगता है अरन भाई आ गए। अरे बाप रे बाप, आप तो यहाँ तक आ गए। अरे यार आप तो यहाँ भी कुछ कुछ ले आए हो अपने साथ। अरे भाई मैं क्या करूँ, तूने डेयर ही ऐसा दिया था। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर चल मैं तेरे को नेक्स्ट डेयर देता हूँ। दे दूँ। अच्छा तो देख, मेरा नेक्स्ट डेयर सुनने में तो सिंपल है बट करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। देख तुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस तुझे पब्लिक में जाके ना बहुत धमाकेदार डांस करना है। बस इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। अच्छा ऐसा, अच्छा ठीक है, लगता है तू समझ नहीं रहा। चल ठीक है, ऐसा करते हैं ठीक है। Okay. A few moments later. तो शिनचैन तू तैयार तो है ना। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, मैं सबके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ ला दिए आप मुझे। अरे यार यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप। हाँ तो आप सभी का प्यारा शिनचैन नोहारा यहाँ आ चुका डांस करने, तो ठीक है अब आप उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड तो हो ना। अरे भाई साहब चलो ठीक है शिनचैन आ जा। अरे बाप रे, मैं नहीं कर सकता यार। यार गाइस, मैंने तो सोचा था बस कुछ लोग ही होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा डांस परफॉर्मेंस हो गया है यार। अरे भाई साहब ये शिनचैन कहाँ चला गया यार। यार देख कर आता हूँ आखिर शिनचैन कहाँ रह गया। अच्छा ये है, क्या हो गया शिनचैन। मैं नहीं जा सकता यार, मुझे बहुत सारा शर्म आती है इतने सारे लोगों के सामने। अच्छा ये बात है क्या। अरे यार यार शिनचैन, तू ना भले बड़े लोग जैसे रहता है बट तू है तो एक बच्चा ही। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। यार गाइस एक बात बताओ, क्या ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस या फिर पब्लिकली डांस करने में आपको भी थोड़ी सी नर्वसनेस फील होती है। यार अगर होती है तो कमेंट में जरूर बताना यार, क्योंकि यार हम सबको ऐसा ही लगता है। चलो यार मैं शिनचैन को एनकरेज करता हूँ यार डांस करने के लिए। तो यार शिनचैन अच्छा एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ डांस करता हूँ, तो क्या बोलते हैं ये डेयर हमारा पूरा हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो हम दोनों साथ में करते हैं। हाँ चल ठीक है, हम दोनों साथ में करते हैं, आ जा। A few moments later. अरे भाई शिनचैन गाना खत्म हो गया है।
अरे ओ भाई ओ भाई, अरे यार मैं तो होश में ही नहीं था, मैं तो गाने के साथ खो चुका था। यार कर लो बात, अभी ये डांस करने से डर रहा था और यहाँ देखो डांस करते करते ही खो गया। चल यार ये डेयर तो हमारा हो गया। अच्छा है यार, काफी डांस हो गया यार डेयर के चक्कर में, पता नहीं हमने बहुत ज्यादा मजे कर लिए। आपने सही कहा, चलो चलते हैं। हाँ तो चल, ये तो हो गया, अब है तेरी टर्न। और अब तू क्या डेयर देना चाहता है मुझे? मेरी टर्न? सोचने दो। A few moments later. मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान से सुनो। हमें रात में किसी जरूरतमंद के घर जाकर 10 लाख रुपए रखने हैं। क्या भाई, एक सेकेंड, ये डेयर तेरे दिमाग में कैसे आ गया? किसी की मदद तो होगी। हाँ वैसे बात बुरी नहीं है यार, लेकिन 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं भाई, और मेरे पास तो नहीं है। लेकिन आपके पास ये गाड़ी तो है ना यार? अच्छा हाँ ये गाड़ी तो है यार, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से ली थी यार। अब अगर मैं गाड़ी बेच दूंगा तो 10 लाख तो जरूर मिल जाएंगे, बट यार गाड़ी चले जाएगी। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। लेकिन ये तो डेयर है, आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब चल ठीक है, मैं ये गाड़ी बेच के 10 लाख रुपए ले लेता हूँ, लेकिन हम रखेंगे किसके घर? वो देखेंगे। अच्छा ठीक है। A few moments later. तो यार शिनचैन देख, हमने गाड़ी तो बेच दी और यार ये सूटकेस में रहे हमारे 10 लाख रुपए, तो चल यार इसे उठाते हैं और चलते हैं। ठीक है यार, गाड़ी बेच के तो अच्छा नहीं लग रहा है। हंस दे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं, पर चलो यार अब डेयर था और किसी की मदद भी हो जाएगी, चलो इधर से चलते हैं। Later that same evening. हाँ तो यार शिनचैन एक काम करते हैं, हम यार ये सूटकेस यहाँ पे रख देते हैं, और यार मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत जरूरतमंद है क्योंकि मैंने इन्हें कल भी देखा था। ठीक है चलो यार यहाँ पे सूटकेस चुपचाप रख देते हैं, बस कोई बाहर ना आ जाए। ओ भाई साहब, तो यार हमने ये पैसे तो रख दिए, अब चलो यार यहाँ से चलते हैं। यार चल एक काम करते हैं, हम यहाँ से छुप के देखते ताकि पता चले इन लोगों को चाहिए भी था पैसा या नहीं। ठीक है। The next day. यार एक मिनट शिनचैन देख, सुबह हो गया और कोई आ गया? ए देवा रे देवा, इतना पैसा यार किसने रख दिया? मैं आज बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत पैसे का जरूरत था रे। अब मैं अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में डाल पाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह भाई साहब, हमने तो बिल्कुल सही किया यार। शिनचैन जल्दी चल यार, लगता है हमने बहुत ही सही जगह पैसे दिए, और यार ऐसा काम करके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। यार ये शिनचैन ना कभी कभी अच्छे काम भी करवा देता है, हर समय बस ये पॉटी पे नहीं अटका रहता है। कहीं आपने मेरी बुराई तो नहीं करी ना? अरे मैं तेरी तारीफ कर रहा था। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं यार। तो देखे बस अगला डेयर तो है, लेकिन तेरे और मेरे लिए नहीं यार दोस्तों, में बस अगला डेयर आपके लिए है। आप यही सोच रहे हैं वो क्या है? यार बहुत ही सिंपल है यार, आपका डेयर ये है कि जो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना यार, उसे फटाफट से जाके दबा दो, और यार अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। गाइस चलो देखते हैं ये वाला डेयर कौन कौन कर पाता है। चल ठीक है, अब तो अपना अगला डेयर बता, आखिर अगला डेयर क्या है तेरा? वो तो बहुत ज्यादा शैतानी है। रहा नहीं जाता, मुझे पता है कि आप अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बालों से? हाँ भाई। अरे नहीं 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 भाई, मैंने पिछले बार भी अपना बाल कटाया था, इस बार मैं नहीं कटा रहा ना। नहीं नहीं नहीं, आप भूल गए ये डेयर है, अगर आप नहीं कटाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अरे यार मतलब क्या कर रहा है ये बता? आपको वापस से टकला होना पड़ेगा। अरे भाई साहब इतने मुश्किल से बाल उगाए थे भाई, और इतने लंबे गए। चल ठीक है, अब मैं टकला हो जाता हूँ तो इतना बोल रहे तो यार, आखिर ये डेयर है करना तो पड़ेगा। चल चलते हैं। A few moments later. हाँ तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आप मुझे टकला कर दो। अरे भाई साहब आखिर मैं टकला हो ही गया। यार ये क्या बात हुई भाई, यार 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 भाई बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अरे भाई मैं कैसा लग रहा हूँ यार? आप तो बिल्कुल बाला लग रहे हो। अरे भाई साहब, अरे बाप रे धूप आ गई, आपका टकला तो चमक रहा है, धूप में मत निकलो। गजब बेइज्जती है। अरे भाई साहब टकले लोगों का मजाक नहीं उड़ाते यार शिनचैन, यार ऐसा तो मत कर। ठीक है, अब आपकी बारी है आर्यन भाई, आप मुझे क्या डेर दोगी? अच्छा मेरी बारी। अच्छा एक बात बता, तूने मेरा फोन कहाँ गिरा दिया था? अरे बाप रे वो तो मैंने कमोड में गिराया था। हाँ तो ये अच्छा मौका है यार, तो तेरा अगला डेयर ये है कि तुझे हमारे कमोड से मेरा फोन निकालना है। अरे बाप रे गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक डेयर है यार, वो तो बहुत दिन पहले गिरा था ना। हाँ लेकिन भाई अब होगा तो वहीं कहीं, तो तू जान भाई तुझे तो निकालना ही पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ, कमोड में हाथ डालना पड़ेगा गाइस।
A few moments later. अरे यार, मुझे तो वो फोन मिल ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत समय से खोज रहा हूँ। अच्छा ऐसा है। अच्छा मैं तुझे एक बात बताऊँ? बता दू। मैंने ना वो फोन बहुत पहले से ही निकलवा लिया था। म्यूजिक। ये क्या बोल रहे हो आप? आपने मेरे मजे लिए, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। अरे यार शिनचैन, सिर्फ तू मेरे मजे थोड़ी लेगा भाई, मैं भी तो तेरे मजे ले सकता हूँ ना। चलो ठीक है यार। A few moments later. तो यार गाइस, हमारा नेक्स्ट ईयर जो है वो यहाँ से होने वाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं। हाँ भाई, सोच ही रहे होंगे। तो यार हम यहाँ से कूदने वाले हैं, वो भी सीधा सीधा नीचे। और ट्विस्ट ये है कि हम यहाँ पे बिना पैराशूट के जाएंगे। ये क्या कहा आपने? बिना पैराशूट के जाएंगे तो हम तो नहीं बच पाएंगे। अरे यही तो डर है। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? अच्छा चल तो हम कूदे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप जाओगे। अच्छा मैं जाऊंगा, लेकिन तू भी कूदेगा ना पक्का? मैं कूदूंगा तो जरूर, लेकिन आपके बाद। अच्छा चल ठीक है, मैं कूद तो रहा हूँ। ओ भाई साहब, अरे अरे, चलो मेरी बारी है, कूदते हैं। भाई भाई भाई, ओ ओ ओ ओ। Meanwhile, मैं तो पैराशूट ले लिया था गाइस। यार आर्यन भाई को बस पता ना चल जाए, वरना वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे यार। लेकिन आर्यन भाई कहाँ गिर गए? चलो यार चल के देखते हैं। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। Much 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 later. अरे भाई भाई भाई, अरे यार shit. अरे भाई साहब मैं गिरा भी तो कहाँ भाई, ये तो टट्टी से लिखा हुआ है। ओ भाई साहब, तो यार यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है। और यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। वो रही आर्यन भाई, चलो चलते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं तो गिर गया। अरे भाई साहब एक मिनट, यार शिनचैन तू पैराशूट ले गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस गिर रहा था, मुझे तो किसी ने हवा में पैराशूट दे के चले गया। अच्छा मतलब तुझे हवा में किसी ने पैराशूट दिया और वो चला गया वहाँ से? वाह बहुत बढ़िया। एक मिनट, चौप यहाँ पे कैसे टट्टी कर सकता है, वो भी इतनी ज्यादा, और वो भी पूरे के पूरे शेप में। गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो। और यार गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।